पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 5 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा में जाने की अटकलों पर विराम के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलनाथ ने कहा कि ये तो मीडिया ही कर रही है, आज तक मैंने मुंह से कभी नहीं बोला या कोई इशारा भी नहीं किया, मेरे से पहले इसका खंडन आप लोग करिए। क्या बात हो गई सर, इन अटकलों पे कब तक विराम लगेगा? कौन सी जो चल रही है अभी? ये तुम लोग ही कर रहे हो, और तो कोई कह नहीं रहा। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग ही चलाते हो और तुम मेरे से पूछते हो? तुम लोग चलाना बंद करो। आप लोग करिए। वहीं बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस बारे में मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की मोहन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये जनता का पैसा है और ये सरकार ही कर्ज पर चल रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों का जल्द ऐलान होने की बात भी कही है। मैं टेकअप करूंगा मुख्यमंत्री से कि किसानों को मुआवजा मिले। सर, मोहन सरकार फिर से दो बार अभी कर्जा ले चुकी है, जब से बनी है प्रदेश की ओर जा रहा है, लगातार कर्जे में डूब रहा है। ये तो कर्जा जनता का पैसा है और ये सरकार ही कर्जे पर चल रही है। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? चर्चा ही होगी। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 5 दिवसीय प्रवास के दौरान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले भर में दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वे 29 फरवरी को पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ छिंदवाड़ा के ही इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे।